राधा गोविंद गोस्वामी नीति नामिने। जय जय राधा श्याम सुंदर भगवान की जय। नमस्ते प्रभुपाद देवम गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। पाश्चात्य देश तारिणे ओम अज्ञानातिमिरांधस्य। आप लोग साथ में गाइए ओम अज्ञानातिमिरांधस्य ज्ञानांजना सदकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। तव कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर जय जय माखन चोर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे साथ इस श्लोक को उच्चारण करिएगा। अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम अहो भाग्यम नंदा गोपा ब्रजोकसाम नंदा गोपा ब्रजोकसाम जन्मित्रम परमानंदम जन्मित्रम परमानंदम पूर्णानंदासनातनम पूर्ण ब्रह्मा सनातनम। जय जय में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी के चरणों में अनंत कोटि नमन प्रार्थना करते हुए नमन करते हुए राधा श्याम सुंदर जी के चरण में अनंत कोटि दंडवती प्रणति करते हुए नृसिंहदेव पंचतत्व को अनंत कोटि प्रणाम प्रणति दंडवत करते हुए आज का यह संध्याकालीन सत्र प्रारंभ करता हूँ। आप सभी को भी अभिनंदन है। आप सभी के हृदय में स्थित भगवान को भी मेरा अनंत कोटि दंडवत। आप कुछ बोल रहे थे मत बोलिए कथा के बीच में। श्लोक में जो हम उच्चारण किए अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजोकसाम यन्मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम कह रहे हैं। ब्रह्मा जी अपने स्तुति में कह रहे हैं पहले
ब्रह्मा जी 9 श्लोक में स्तुति करते हुए ब्रह्मा जी थक गए। भगवान ने उनकी उनके बात करने की तो दूर की बात है, झांका तक नहीं उनकी ओर। ब्रह्मा जी को लगा हमने कोई गलती नहीं की, गलती का माफ होता है क्योंकि गलती अनजाने में होती है, और मैंने तो गलती नहीं, मैंने तो अपराध किया है। अपराध का कोई माफ नहीं होता, दंड होता है, तो कुछ अलग से प्रार्थना करना पड़ेगा। फिर ब्रह्मा जी ने कहा तो आप माता हो और मैं आपके गर्भ में स्थित शिशु हूँ, भला कोई माता अपने शिशु के पादप प्रहार, गर्भ में अगर शिशु होता है तो शिशु के पादप प्रहार से क्या माता अपराध मानती है? नहीं मानती है, इसलिए आपको भी नहीं मानना चाहिए। फिर भी भगवान नहीं देते। अब भक्तों का प्रशंसा कर रहे हैं, कह रहे हैं उन वृंदावन वासियों की भाग्य का क्या सराहना किया जाए, जितना भी बड़ाई किया जाए उतना ही कम है उनकी। कह रहे हैं अहो भाग्य नंद गोप के ब्रज के ओकसाम का अर्थ होता है रहने वाले। नंद गोप के नंद बाबा के ब्रज में रहने, क्योंकि नंद बाबा वहां के राजा थे तो वहां में रहने वाले लोगों के भाग्य का सराहना क्या किया जाए, जितना भी किया जाए उतना कम है, क्योंकि उनके मित्र कौन है? उनके मित्र है पर ब्रह्म सनातन, जो अनादि अनंत है, तीनों काल से परे है। सनातन शब्द का अर्थ है तीनों काल से परे, वर्तमान भविष्य और भूतकाल में जो बरकरार हो और उससे भी परे हो, काल से काल के स्पर्श से परे हो, उसको कहते हैं सनातन। अथवा सनातन का अनेक अर्थ है, ये तो सबके लिए बराबर। भगवान कृष्ण सबके मालिक है, उनका भक्ति कोई भी कर सकता है संसार में कोई भी व्यक्ति, इसलिए वो सनातन है। और सनातन धर्म का अर्थ है सनातन धर्म को कोई भी स्वीकार कर सकता है। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसका जो आप लक्षण से प्रकट होता है, सनातन धर्म लक्षण से प्रकट होता है। सनातन धर्म के नियम बनाए गए नहीं है, जैसे ऐसा करना पड़ेगा तो ये सनातन, ऐसा नहीं है। उसमें लक्षण होता है, अगर उसमें उन लक्षणों को परिपुष्ट होता है, परिपुष्ट होता है तो वो व्यक्ति सनातन धर्म के अंदर है। नारद जी सप्तम स्कंद में कहते हैं 30 लक्षण कहते हैं सनातन धर्म। जैसे पानी का धर्म भिगोना है, पानी का क्या धर्म है साइंस में पढ़ने वाले विद्यार्थी को बताओ, अगर कोई साइंस में नहीं पढ़ा हो तो भी 6, 7, 8, 5 आदि में किसी चीज का धर्म का अर्थ क्या कहते हैं, उसके अंदर अंतर्निहित गुणों को धर्म कहा जाता है ना। पानी का धर्म है प्यास मिटाना, और पानी का धर्म है शीतलता प्रदान करना, और पानी का धर्म है किसी चीज को भिगोना, गला देना, डिजोल्व करना, ये पानी का धर्म है। तो ये पानी के गुण अगर पानी में ना हो तो उसको क्या पानी कहा जाएगा? अगर चीनी में मिठास ना हो तो क्या चीनी कहा जाएगा उस चीज को? चीनी का धर्म है मिठास। उसी प्रकार सनातन धर्म के तीस लक्षण होते हैं सप्तम स्कंध में, इसको खूब विस्तार से हम व्याख्या करेंगे। कुछ लक्षण इस प्रकार है जो मुझे याद है, इसमें से 30 याद नहीं, उनमें से कुछ कथा कह रहा हूं। सत्य शौच, सत्य बोलना, जो व्यक्ति सत्य बोलता है वो सनातन धर्म में है, जो सूची अवस्था में रहता है, नहा धोकर शुद्ध अवस्था में रहता है वो सनातन धर्म के अंदर है। और जो अहिंसा, किसी के प्रति हिंसा नहीं करता, मन वाणी बुद्धि से हिंसा नहीं करता। हिंसा के कई प्रकार होते हैं, समाज में लोग हिंसा का अर्थ कहते हैं ना, कोई कुछ बोल रहा है दूसरे के बारे में कुछ गलत बोल रहा है तो उसे हिंसा कहते हैं समाज में, लेकिन असल में ये भी हिंसा है। वाणी से भी किसी को वो गलत बोलना वो भी हिंसा है, और शारीरिक शरीर की दृष्टि से अगर किसी के प्रति उद्वेग दिया जाए तो भी हिंसा है, जैसे किसी को मारना काटना इत्यादि हिंसा है। मन से किसी के प्रति गलत चिताना,
गलत सोचना ये भी क्या है, मन से हिंसा, तो मन बुद्धि से हिंसा रहित होना, यह क्या है, किस धर्म का लक्षण है, सनातन धर्म का लक्षण है। चोरी न करना, चोरी न करना ये भी सनातन धर्म के लक्षण है। तो इस प्रकार अनेक सनातन धर्म के लक्षण कहे जाते हैं, जो सनातन धर्म को साइंटिफिकली प्रूफ करता है कि मनुष्य अगर बन के पैदा हुआ है तो वो व्यक्ति को निश्चित रूप से सनातन धर्म के अंदर आना है, ये ध्यान रखना चाहिए। और जो सनातन धर्म के एतर दूसरे लक्षणों को प्रकटित करते हैं, धर्म के पांच भेद भी कहा गया है भागवत में ही है, धर्म के पांच भेद है, उसमें एक धर्म है पाखंड धर्म, एक धर्म है धर्म का उल्टा अधर्म, जिसमें सनातन धर्म के उल्टे उल्टे काम किया जाता है, एक पाखंड धर्म धर्म के ध्वजा के अंदर रहकर अपने उस चीज को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना, जैसे आजकल जो टीवीओ में कुछ बाबा निकल रहे हैं जो ये पाखंड धर्म, और ऐसा धर्म भी है जो सनातन धर्म के विपरीत है, काटना पीटना मारना ये भी उनका धर्म का लक्षण है, तो ये अधर्म है। पांच प्रकार के भेद कहा गया। मैं उस समय आप यदि एक बार मुझे पूरा संपूर्ण भागवत कहने का मौका दोगे तो निश्चित रूप से सारा भागवत में जो तत्व है मैं कह दूंगा, एक साल तो लगेगा शायद, एक साल लगेगा, एक साल थोड़ा शॉर्टकट करते हुए थोड़ा संक्षेप में कहते हुए जाऊंगा, एक साल नहीं लगेगा। तो कहने का इच्छा है, आप लोग सुनिएगा, सुंदर सारे चीज का व्याख्या किया हुआ है श्रीमद् भागवत, यहाँ तक कि श्रीमद् भागवत में संसार में जितने तक जितना ज्ञान है, जितना जितना पढ़ाया जाता है आज भी, चाहे मेडिकल साइंस में हो, चाहे फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, सारे फॉर्मूला इसके अंदर है। मेडिकल साइंस के बारे में भागवत तृतीय स्कंध में बताया, मेडिकल साइंस भी फेल है जहां पर, उस चीज को श्रीमद् भागवत कहता है। किस प्रकार माता के गर्भ में जो भ्रूण होता है, किस प्रकार वो विकसित होता है, 9 महीना में किस प्रकार वो पूर्ण पूर्ण एक बच्चा बनकर वो अपना विकसित होता है, इस बारे में भागवत में स्पष्ट कहा गया, जो कि आज का मेडिकल साइंस भी नहीं कह सकता, वहां तक नहीं पहुंचा है। श्रीमद् भागवत कहता है इसको, इसका प्रमाण, इसको उन लोग भी मना नहीं करते, मेडिकल साइंस वाले भी इसको काट नहीं सकते, और जो जो बताया गया यहाँ पे हुए ही होता है, उनके पास ऐसे यंत्र विकसित नहीं हुए हैं जो इन चीज को जाने, हो गए तो आगे मेडिकल साइंस आगे प्रगति करते जाएगा तो इन चीज को जान सकते हैं, भागवत में बताया गया। तो कहने का मतलब ये भूगोल शास्त्र के बारे में भागवत में बताया गया, भूगोल शास्त्र पूरा भारत वर्ष के बारे में, पूरा विश्व के बारे में, विश्व के बाहर भी जो है जो एलियन की खोजी करते हैं आजकल साइंस, ये सारी बातें इसमें बताया गया है श्रीमद् भागवत में। और खगोल के बारे में बताया, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताया श्रीमद् भागवत में, कॉस्मोलॉजी के बारे में, वैदिक कॉस्मोलॉजी, कॉस्मोलॉजी के बारे में बताए, एस्ट्रोनॉमी के बारे में बताए, ज्योग्राफी के बारे में बताए, बोटनी के बारे में सुंदर व्याख्या है, क्या नहीं है भागवत में, केमिस्ट्री भी है श्रीमद् भागवत में। तो इस प्रकार भागवत संपूर्ण रूप से पूर्ण ग्रंथ होने के कारण श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा जाता है। क्या बाकी पुराणों को पुराण कहा जाता है, किसी में भी महापुराण नहीं, लेकिन श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा जाता है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में जो है वो संसार में है, और जो संसार में हो श्रीमद् भागवत में, और जो श्रीमद् भागवत में नहीं है वो संसार में नहीं है, ऐसा है। इसलिए श्रीमद् भागवत क्या है, महापुराण है, बाकी तो पुराण है और ये श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि समस्त पुराण के द्वारा भी श्रीमद् भागवत स्तुति, श्रीमद् के उन पुराण मूर्तिमान रूप लेकर आकर श्रीमद् भागवत की स्तुति करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, जैसे यहाँ कथा हो रहा है, तो पुराण ग्रंथ आदि ऋचाएं मैंने पहले भी बताया आपको, पद्म पुराण में जो श्रीमद् भागवत की महिमा बताई गई, उसमें बताया, व्याख्या किया गया है कि वेद के ऋचाएं भी मूर्तिमान रूप लेकर आकर
श्रीमद् भागवत का श्रवण करते। तो हर एक पुराण, हर एक ग्रंथ श्रीमद् भागवत का प्रशंसा करता है, इसीलिए श्रीमद् भागवत को महापुराण कहा जाता है। कहां से कहां मैं पहुंच गया, सनातन शब्द का अर्थ करते हैं। तो श्रीमद् भागवत में सनातन, हम लोग जो वैष्णव बोलते हैं ना अपने आप को, असल में ये हम लोग सनातन धर्म के, हम लोग वैष्णव कहते हुए सनातन से अलग करते हैं लोग, नहीं हम लोग सनातन धर्म के अंदर है ना। हाँ, उन लोगों को पता नहीं सनातन के लक्षण, उनको पता नहीं श्रीमद् भागवत, या तो उन्होंने श्रीमद् भागवत को प्रेम से सुना नहीं होगा, या तो प्रेम से सुनाने वाला नहीं मिला होगा। ये दोनों में से अगर सुना होता तो वो हमें भेद नहीं करते सनातन, त्रुटि हमें भी है क्योंकि हम भी उनको सही वो कहते हैं, ये कहते हैं ना, इसलिए शैव है शाक्त है ये आदि आदि करते हुए भेद करते हैं, तो वो हमें वैष्णव है तो सनातन नहीं रजक है ऐसा बोल रहे हैं। असल में सनातन, हम लोग भी सनातन के अंदर ही, सनातन मतलब सबका, इसलिए वो ये अर्थ लगाते हैं हम सनातन में है तुम्हारे में हम नहीं है, इसलिए तुम लोग वैष्णव हो और हम सनातन, ऐसा सोचते हैं क्योंकि जो उन लोग में है, उन लोग जिस धर्म में है उनको सनातन समझते हैं, समझे, और हम लोग उनको इंक्लूड नहीं करते हैं, इसलिए हमें क्या समझते हैं, अलग समझते हैं सनातन धर्म अलग, आप हाँ हमारे ऐसा ना, हमारे व्यवहार से उन्होंने अपने आप को, अपने को सनातन, तुम लोग को वैष्णव, ऐसा उन लोग को पता नहीं वैष्णव भी सनातन के अंदर आता है, क्यों, क्योंकि हमने वेद किया नहीं करना है, जो भी पूजा पर्वत आता है उनके साथ समान रूप से जापन करते हुए उनके साथ प्रेम संबंध प्रेम पूर्वक रहकर हम इस धर्म को व्याख्या कर सकते हैं, इस पुस्तक को व्याख्या कर सकते हैं। ये पुस्तक जो है ना इतना महान पुस्तक है, तो श्रवण करने से ही कल्याण होता है, इसलिए किसी भी तरीके से व्यक्ति को लाकर इस पुस्तक का श्रवण कराना चाहिए, श्रीमद् भागवत का श्रवण कराना चाहिए, तो वो सनातन भगवान पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान जिनके मित्र हैं उनका भाग्य अहो भाग्य है, इसलिए हे भगवान हमसे रोकिए मत। कहते हैं ऐसा तो भाग्य महिमा चुदता बदास्ता मेकांत दशई वही वयम बत भूरि भाग एतदधिकृत चषकी रसकृत रसकृत पिबामः सर्वादयं विदजः मध्वमृता शवं ते। कहते हैं जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं वृंदावन वासी थे, उन्होंने क्या किया था, भगवान की लीलाओं को दर्शन किया था। कहते हैं मैंने कल बोला था, उन्होंने दर्शन किया था, आंखों से पिया था उस रस को, श्री कृष्ण के भक्ति रस को उन्होंने कैसे पिया था, लीला रस को कैसे पिया था, आंखों से पिया है। और इस बात को कह रहे हैं कि हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं हैं, हम लोग के लिए कह रहे हैं, कथा सुनने वाले के लिए कह रहे हैं, सुनने वाले सोनक आदि ऋषि कह रहे हैं अहो भाग्य हम लोग भी कम भाग्यशाली नहीं है, उन्होंने कृष्ण के लीला को आंखों से पिया था और हमने उन लीलाओं को किससे पिया है, कान के माध्यम से हमने पिया है, और अत्यधिक रस मिलता है हमें भी कान के माध्यम से, जो भगवत अमृत रस वो हृदय में जाता है, हृदय को द्रवीभूत कर देता है और हृदय में रसायन कर देता है। हृदय रसायन का अर्थ होता है कि आयुर्वेद में एक तो औषधि के बारे में बताया गया और एक रसायन के बारे में बताया गया, रसायन और औषधि के बारे में मैंने पिछली बार भी यहाँ पे व्याख्या किया था, फिर भी कह रहा हूँ क्योंकि आप भूल गए होंगे, इसलिए गीत के स्वर में बोल रहा हूँ, आप लोग भूल गए होंगे। रसायन का अर्थ होता है पोलियो, देखा है आपने पोलियो, पोलियो क्या बीमार होता है तब पिलाया जाता है, और पिलाने बीमार होने से पहले ही पिलाया जाता है पोलियो,
बताइए, बीमार होने से पहले पोलियो पिलाया जाता है ताकि पोलियो न हो, रोग हो ही ना। ऐसे औषधियों को क्या कहा जाता है? रसायन। ठीक है, जैसे और कई सारे ऐसे औषधि हैं, जैसे जो इम्यूनो सिस्टम को बूस्ट करता है, ऐसे औषधियों को रसायन कहा जाता है। जैसे झंडू पंचारिष्ट, वो भी बीमार होने से पहले खाया जाता है, बीमार हो ही ना, अपने आप को तंदुरुस्त करने के लिए खाया जाता है। ऐसे औषधियों को आयुर्वेद में क्या कहा गया है? रसायन कहा गया है। और जो बीमार होने के बाद इलाज किया जाता है उसे कहते हैं औषधि। मुझे बुखार हुआ तो मैं क्या लिया? पैरासिटामोल लिया, उसे क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं। तो औषधि और रसायन में ही भेद है, और भगवान की कथा औषधि नहीं है, रसायन है। क्या है? रसायन है, औषधि नहीं। औषधि बीमार होने के बाद दिया जाता है ना, रसायन क्या है? वो बीमार होने ही नहीं देता। कौन सा बीमार? भव रोग होने ही नहीं देता, संसार का रोग होने ही नहीं देता। संसार में रहते हुए भी वो व्यक्ति को वो संसारी नहीं बनाता, वो संसारी नहीं होता। वो जो भागवत सुनने वाला कभी संसारी नहीं होता। इसीलिए कहता है नश्यते संसारा स्वयमेव वैष्णवानाम, ऐसा बोला है। जीव गोस्वामी का नाम सुना होगा, जीव गोस्वामी सड़ गोस्वामी में से एक है, जो सुबह सुबह कीर्तन किया जाता है ना, वो जयकारा दिया जाता है। गोपाल भट्ट दादरा रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट श्रीजीव प्रिय जीव गोस्वामी, उन्होंने व्याकरण को हरिनामामृत, हरि के नाम में हरिनामामृत व्याकरण बनाया है। उस व्याकरण को मैंने पढ़ा है, और उसमें एक सूत्र होता है नश्यते संसारा स्वयमेव वैष्णवानाम, ऐसा सूत्र है। आपको लग रहा होगा ये एक सूत्र भी एक मंत्र भी है, दोनों ही है। वैष्णवों का संसार अपने आप नाश होता है। कैसे नाश होता है? संसार में जकड़ते ही नहीं है। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मैं संसार में फंसा हुआ हूँ, मुझे संसार से निकलना है कहते हुए वो निकल ही नहीं पाते। लेकिन वैष्णव का ऐसा नहीं है। वैष्णव सुबह होते ही मंगल आरती आ जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, दिन भर पर ही भगवान का नाम लेते हुए रहते हैं, उनके ही आश्रय में रहते हैं। इसलिए वैष्णवों का संसार होता ही नहीं। अभी देखिए सांझ का समय हो गया, आप लोग आ गए कथा श्रवण करने, संसार में बंधे हुए हो क्या आप लोग? नहीं हो, नहीं आप खुले हुए हो। इसलिए वैष्णवों को संसार से छूटने की कोशिश ही नहीं करना है, अपने आप छूट जाता है। नश्यते, संस्कृत में जो नश्यते शब्द है वो शब्द का अर्थ है ये क्रियापद है नश्यते। आप लोग व्याकरण नहीं पढ़े पढ़े फिर भी बता देता हूँ। एक होता है क्रियापद होता है जो ये स्वतः होने वाला क्रिया, जैसे मान लीजिए नर नारायण ऋषि, थोड़ा अभी गहराई में प्रवेश कर रहा हूँ व्याकरण के गहराई में। हम व्याकरण पढ़ाते हैं तो भी रस के साथ पढ़ाते हैं, मैथ पढ़ाते हैं तो भी रस के साथ पढ़ाते हैं, उसको रस आ जाता है पढ़ने वालों को, व्याकरण पढ़ने वालों को भी रस आ जाता है। विशेषता व्याकरण निरस शास्त्र है, मैथ भी निरस शास्त्र को बोलते हैं, लेकिन निरस शास्त्र के रस युक्त होकर पढ़ाते हैं। वो क्या है आप लोगों को पता होगा, नर नारायण ऋषि कहाँ पे तप करते हैं आप लोगों को पता है? नर नारायण प्रभु को पता होगा कहाँ? बद्रीनाथ में, बद्री विशाल में नर नारायण ऋषि आज भी तप कर रहे हैं। वो भारतवर्ष के कुल देवता है, मतलब भूमि देवता है, भारतवर्ष के देवता है, कलियुग के देवता है। कौन है? नर नारायण ऋषि के रूप में है, भगवान ही है, और वो तप कर रहे हैं। बोले भगवान को तप करने की जरूरत है नहीं है, वो ऐसे बैठते थे अपने आप तप हो जाता है। क्या हो जाता है? क्या होता है उनको करने की जरूरत है? नहीं होता, अपने आप हो जाता है। नश्यते का अर्थ भी वही है, नाश अपने आप हो जाता है। क्या नाश होता है? संसार स्वयमेव अपने आप संसार नाश होता है वैष्णवों का, ऐसा कहा गया शास्त्र व्याकरण कह रहा है। तो कोई प्रयास नहीं करना, संसार से छूटने की प्रयास नहीं करना है, केवल भक्त के साथ जुड़े रहना है, कथा को श्रवण करने आना है,
भगवान को दर्शन करना है, नाम जप करना है, घर का काम करते रहो, संसार अपने आप नश्यते नष्ट हो जाएगा, नाश हो जाएगा, आप लोग संसार में रहोगे ही नहीं, यही बात कह रहे हैं, कहा जा रहा है। तो कहां से कहां पहुंच गया मैं, देख रहे एसाम तु भाग्य महिमा चितावदास्ता एकादशी। हाँ कह रहे थे उन लोगों ने क्या किया था, आंखों से पिया था, हमने हम कानों से पी रहे हैं, और कानों से पीकर वह भगवान की कथा अमृत बनकर हृदय में जाकर वह क्या बन रहा है, औषधि, और दूसरा बोला था रसायन बन गया है, संसार को नाश करने वाला बन गया है। ठीक है, इसलिए संसार को नाश करने की कोशिश ही नहीं है, इसलिए बोले वयम अपि हम लोग भी एकादशी दृढ़ असकृत पिबाम करें, हम एकादश इंद्रियों से पी रहे हैं उस रक्त को, बोले आंखों से देख रहे हैं करें यहाँ को वहां, हाथों से काम कर रहे हैं, एकादश इंद्रियों से हम उसको पी रहे हैं, उन रिष्ट लीलाओं को पी रहे हैं, आंखों से दर्शन कर रहे हैं, उनकी छठा को छवि को पी रहे हैं, और मुंह से प्रसाद सेवन कर रहे हैं, मुंह से कीर्तन कर रहे हैं, नाक से सुबह सुबह मंगल आरती आते हो तो ऐसे सुनते हैं ना, क्या सुनते हैं, नृसिंह देव देखा जो चढ़ाया गया जो सुगंध है भगवान को, जो इतर चढ़ता है उस इतर को सुनते हैं, तो नाक से हम सूंघते हैं, आंखों से दर्शन करते हैं, कानों से श्रवण करते हैं कथा, और पैरों से चल के मंदिर को आते हैं, है ना, और हाथों से क्या करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, वैष्णवों की सेवा करते हैं, वैष्णव सेवा होता है, प्रसाद बनाते हैं, ये सब करते हैं। तो एकादश इंद्रिय से हम असकृत, सकृत मतलब होता है एक बार, असकृत मतलब बार बार वयम पिबाम, इसलिए हम लोग क्या है, वयम तो भूरी भागा, अत्यंत भूरी भाग्यशाली करें, उनसे भी श्रेष्ठ बोलते हैं, भगवान कृष्ण के भक्त से भी जो वृंदावन में थे उस समय में, उनसे भी श्रेष्ठ बोलते हैं हम लोग। और इसी चीज को देखकर ब्रह्मा जी को ईर्ष्या होने लगा है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं भगवान मुझे अगर आप अगला जन्म दोगे तो मुझे ब्रह्मा मत बनाओ, मुझे ब्रह्मा बनने की इच्छा नहीं है, तो क्या क्या बना, वृंदावन का कुछ भी बना दो चलेगा, कल भी बोला था ब्रह्मा जी, अभी बोल रहे हैं वृंदावन का कुछ भी बना दो, क्या बना दो, कुकर बना दो, कुत्ता बना दो, बोल रहे हैं कहाँ का वृंदावन का, शुकर बना दो, गाड़ी बना दो, वृंदावन का देखिए बाहर की बात नहीं कर रहा, और कीट बना दो, पतंग बना दो, कुछ भी बना दो चलेगा, बंदर बना दो, बंदर बना दो तो मैं वृंदावन के झाड़ियों में उछल उछल कर आनंद लूंगा, ऐसा एक भक्त कहते हैं, और वृंदावन में मुझे भक्त बना दो, वृंदावन का कोई कुछ भी बना दो तो मैं ब्रजवासियों के द्वार द्वार जाकर उनसे रोटी मांग कर खाऊंगा वृंदावन में, ऐसा बना दो भक्त लोग इच्छा करें, ब्रह्मा जी स्वयं इच्छा करें। अब इस प्रकार ब्रह्मा जी स्तुति पे ऊपर स्तुति, स्तुति के ऊपर स्तुति कर रहे हैं, 40 लोग लच्छेदार श्लोक बोल दिया, लेकिन भगवान बोलने की तो दूर की बात, झांके तक नहीं। तब ब्रह्मा जी कह रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता भगवान आपके बारे में, कह रहे हैं हम लोग कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, भगवान को हमने जान लिया, ढींग हाँकते हैं ना हम लोग, है ना, कोई नहीं जानने वाला आता है तो हम पूरा भगवान के बारे में बताते हैं, बताते हैं कि नहीं, ढींग हाँकते हैं हम लोग, भगवान क्या कर रहे हैं, ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं जानंत एव जानन्तु, जानने वालों को जानने दो, जो भगवान को जानता हूँ कहता है कन्हैया, तुम्हें जानता हूँ कहने वाले को जानने दो, ब्रह्म तुम्हें जानता हूँ कहने वाले को जानने दो, ब्रह्म के बारे में कोई नहीं जानता, ऐसे अनुमान कर, जानने वाले को जानने दो, किम बहुत्या नमे प्रभो, हे प्रभु मेरे ज्यादा बोलने से क्या होगा, मैं अगर जानता हूँ कहने पर क्या होगा, मैं ब्रह्मा होकर भी चार माता होकर भी आज मुझसे बात नहीं कर रहे, मैं पहचान ही नहीं पाया आपको, भिखारी समझा, कटोरा हाथ में लिया था तो आपने आपको भिखारी समझा, भक्तों का झूठा खा रहे थे तो हम
आपको साधारण शिशु समझा, तो जानने वालों को जानने दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं तो आपके बारे में नहीं जानता, कह रहे मनसो पपुसो पाचो वैभवम तब गोचर, मन से वाणी से और मन से वाणी से और शरीर से आपको कोई नहीं जान सकता। ऐसा है, भगवान को कोई नहीं जान सकता और हम ढींग हाँकते हैं, ब्रह्मा जी कह रहे हैं नहीं जानते। और टाइम हो गया था बताना, ठीक है? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं अब तो हम एक चीज जानते हो, आपको नहीं सुनना है, अच्छा नहीं लग रहा है, बंद करो बंद करो बोल रहे हो, अच्छा लग रहा है? टाइम नहीं है, टाइम इसका मतलब आपको कथा अच्छा नहीं लग रहा है? अच्छा तो लग रहा है। हाँ सुनिए, तो थोड़ा सा पाँच पाँच, ठीक है? सकम हाँ कंक्लूजन कर देता हूँ। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी की हम कुछ नहीं, आपको नहीं जानते, लेकिन एक चीज जानता हूँ कह रहे हैं भगवान। क्या जानता हूँ कह रहे हैं पता है? कह रहे हैं आपकी दासत्व जानता हूँ, भक्ति जानता हूँ, और मुझे कुछ दूसरा चीज जानने की जरूरत नहीं। मैंने कल बोला था ना, हम जानते हैं, हम कुछ नहीं जानते, ना तब जानते हैं, ना जब जानते हैं, ना व्रत जानते हैं, कुछ नहीं जानते। जान करने वाले को करने दो, जो जब जानता हो, जो तब जानता हो, जो सब कुछ जानता हो उसको जानने दो, हमें कोई मतलब नहीं है। आप लोग को दूर से प्रणाम है, हमें एक ही मतलब है, एक जानता हूँ कि क्या नित्यानंद प्रभु के चरण कमल को जानता हूँ, उनको एक चरण को छोड़कर मेरा कोई उपाय नहीं है दूसरा, इसलिए मैं तो नित्यानंद के चरण पर आश्रित हूँ, उन्हीं के चरण को जानता हूँ, उनको छोड़कर दूसरा संबल भी नहीं है संसार में। आप क्या तब कर सकते हो? नहीं कर सकते आप तब, ना तो तब कर सकते हो, ना तो जब बढ़िया से कर सकते हो, ना तो ध्यान बढ़िया से कर सकते हो, ना तो ज्ञान बढ़िया से कर सकते हो, ना तो वैराग्य बढ़िया से, कुछ नहीं है हमारे पास। है तो केवल क्या है, नित्यानंद प्रभु के चरण को दृढ़ भाव से पकड़ लो, पार हो जाओगे। नित्यानंद प्रभु कहते हैं एक बार कृष्ण कहो, एक बार कृष्ण कहो, कहो ना एक बार कृष्ण कहो, हरे कृष्ण कहो, बस नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं एक बार कहो प्रेम से, तो आपको महाप्रभु के पास ले जाओ। नित्यानंद प्रभु कहते हैं मैंने ठेका लिया हूँ, नित्यानंद प्रभु मैंने लोगों को उद्धार करने का ठेका लिया हूँ। कलियुगी जीव पतित से पतित है और मैंने आपका उद्धार करने के लिए ठेका लिया हूँ, नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं। भगवान ने ठेका लिया कहते हैं ना, हाँ ठेका लिया, नित्यानंद प्रभु ने ठेका लिया, कहते हैं कि मैंने पतित जीवों को उद्धार करने का ठेका लिया हूँ। यदि मैं कलियुगी जीवों को उद्धार नहीं करूंगा तो महाप्रभु मेरे प्रति क्रोधित हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, और लोगों को महाप्रभु का भक्त नहीं बना पाया तो मेरा नित्यानंद बनना बेकार है। नित्यानंद प्रभु स्वयं कह रहे हैं, इसलिए एक बार कृष्ण कहो कहते हुए द्वार द्वार पर जाकर कह रहे हैं कृष्ण कहो, इसलिए संकीर्तन में सबको निकलना है। सुबह जो होता है ना नगर चक्र, किसी को भी जाना है, आपको भी निकलना है रोज, शायद घर का चाबी रख के आना है वहीं पे। घर के बाहर वहीं रख जाना, इसलिए उनके चरण को छोड़कर दूसरा उपाय नहीं है हमारा। और तप आदि करने वालों तब करने दो उनको, तब हमसे नहीं होगा, तब आपसे होगा, तब जब होगा नहीं होगा, जब भी नहीं होगा। करने की कोशिश करते सोलह माला, लेकिन क्या ध्यान से होता है सोलह माला? नहीं होता है। हरे कृष्ण 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 हो जाता है वो, कहाँ कृष्ण 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 कितना हो गया, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण होता है किसी किसी का, मैंने सुना है ना, सुना है आपने? सोलह माला करने के तो बहुत झुलम है, करते तो हैं हम, लेकिन क्या होता है सोलह माला? नहीं होता है, इसलिए करना नहीं चाहिए ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने आमी बोलची की आमी एटा बोलची माताजी सुनन सुंदर सुलमाला करते होवे ना, एटो बोलची ना सुलमाला करते होवे ता থাকে বেশি করতে হবে, কিন্তু আমার কথাটা কি কি আমি ভালো মতন সুলমাদা করতে পারি পারি না ওইটা বলছি আমি। সুলমাদা তো করতে হবে, কেন না আমরা যদি সুলমাদা করি না, আমা মালা করি না,
তো আমার প্র্যাকটিস হবে না তো যখন আমার প্রাণ যাওয়ার সময় আসি যাবে ওই সময় আমরা কি আমার মুখে থেকে ভগবান নাম আসবে বলাবে না ওই জন্য এটা আমার প্র্যাকটিস করছি এটা প্র্যাকটিস করছি हरे कृष्ण हरे कृष्ण। एक उस दिन निकल गया तो भगवान का नाम बस काम हो गया, बस उद्धार हो गया और भगवान ठेका ले रहेंगे। जो मेरा जिंदगी भर जिसने नाम लिया है ना, मैं उसके हृदय में अंत समय में स्वयं आ जाता हूँ, मैं अपने आप आ जाता हूँ, क्योंकि भगवान का स्मरण करने की हिम्मत किसी में है ही नहीं। कोई अहंकार बस कह रहे मैं स्मरण कर लूंगा भगवान को, ऐसा अगर करे तो उसको तो भगवान तुरंत एक साथ एक ऊपर से ऐसे गिराते हैं। जो अहंकार कर मैं स्मरण कर दूंगा कहता है उसको तुरंत एक मिनट के बाद बुला देते हैं इसीलिए। लेकिन भक्तों को क्या, जो विनीत भक्त है भगवान का नाम जप रहे हैं जप रहे हैं जप रहे, भले ही ना फिर भी अंत समय में भगवान उसके हृदय में आ जाता है और हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे, यह अपने आप आ जाता है और उसका प्राण निकल जाता है और भगवत उसकी भगवत प्राप्ति होती है, भगवान का पार्षद बन जाता है। ये साइंस हरे कृष्ण आंदोलन का उद्देश्य यही है, मरने को सिखाता है, जीने को भी सिखाता है, आर्ट ऑफ लिविंग भी सिखाता है और कृष्ण भावनामृत मरने को भी सिखाता है, आर्ट ऑफ डाइंग भी सिखाता है। ये दोनों शिक्षा हमें प्राप्त होती है किससे, हरे हम लोग जो श्री प्रभुपाद के द्वारा दिया गया जो हरे कृष्ण मूवमेंट है आंदोलन है, कि हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उस दिन प्रभु कह रहे हैं ना आंदोलन है, ये हम सुबह जो कीर्तन करते हैं ये क्या है, आंदोलन। आंदोलन में क्या होता है कहते हैं कि नहीं, बंद करो नहीं कहते, हम लोग भी यही कर रहे हैं, संसार संसार में फिरना बंद करो कह रहे हैं, तो यही आंदोलन है हरे कृष्ण आंदोलन। और प्रभु जी ने मुझे याद भी दिला दिया, आपको बहुत धन्यवाद है समय याद दिलाने के कारण, अभी आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना कथा को, और कल भी अगर आप मुझे कृतार्थ करेंगे, आप लोग को देख रहे हो तो मेरा अच्छा मैं मुझे चार्जिंग सा होता है, चार्ज लग जाता है, हाँ मोबाइल में जैसे चार्ज लगाने के बाद ऐसे आप लोग को, आप लोग के सुंदर हसमुख चेहरा को देखने को मिला यहाँ पर भरे हुए इस प्रांगण को भरा हुआ मिला, तो मुझे बहुत आनंद आता है और मैं कथा परिवेशन कर पाता हूँ, इसलिए आप लोग सभी को मुझे निश्चित रूप से कृतज्ञ होना है, आपके प्रति धन्यवाद देना है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने कथा को श्रवण किया मुझे कृपा किया और समस्त आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री प्रभुपाद की जय, राधा श्याम सुंदर भगवान की जय, कथा श्रवणकारी भक्त वृंद की जय, कार्तिक मास की जय, दामोदर उत्सव की जय, ऊर्जा महीना की जय, देवदान अनुष्ठान की जय, देवदान कार्य भक्त वृंद की जय, जय जय श्री राधे श्याम।